हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आज का वीडियो है फ्रेंड्स कंसीलर का। तो फ्रेंड्स ये है मिस्टर ऑफ मिलान का कंसीलर जिसका रिव्यू मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को मैं 3 से 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो कैसे आपको इसे यूज़ करना है इसका सही तरीका आपको बताने वाली हूँ और क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं वो बताने वाली हूँ वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं नम्रता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनवेस। फ्रेंड्स ये जो कंसीलर है इस तरह की क्यूट सी इसकी बॉटल है एंड ये जो सेट है वो है 002 एंड प्राइस की बात करूँ इसकी तो ये है 575 रुपीज़ का। फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स आपको अलग अलग सेट मिल जाएंगे, जो भी आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको अलग अलग सेट मिल जाएंगे। वेस्टिज के प्रोडक्ट की जहाँ मैं आपको बात करूँ तो आप जानते हैं कि वेस्टिज के सभी प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं, तो सभी स्किन टोन टाइप होते हैं, सब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपको सूट होता है तो आप यूज़ कीजिएगा। और जहाँ मैं कंसीलर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कंसीलर जो होता है हमारे स्किन से सारे जो पिगमेंटेशन है उसको कवर करने में और दाग धब्बे होते हैं स्किन पे उसको कवर करने में, और जैसे कि आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो उसे कम्प्लीटली कवर करने में आपकी हेल्प करता है। तो मेकअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसीलर का यूज़ करना, नहीं तो आपका सारा मेकअप जो है वो बेकार है। अपने मिस्टर ऑफ मिलान का जो कंसीलर है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है फ्रेंड्स, तो मैं इसे आपको वीडियो पे लगा कर भी दिखाने वाला हूँ। आपको यूज़ करना है मैंने वीडियो में आगे बताया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करें अगर उसे सही तरीके से यूज़ नहीं किए हैं तो आपका जो मेकअप जो है बिल्कुल भी अच्छा लगने वाला नहीं है, चाहे वो कंसीलर हो या फाउंडेशन हो। बहुत ज़्यादा केकी या पैची सा मेकअप लगेगा तो आपको लगेगा कि प्रोडक्ट ही सही नहीं है। तो इसलिए आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स थोड़ा थिक है, तो इसे आपको एक एक करके बारी बारी से आपको इसे ब्लेंड करना होगा एंड थोड़ा थोड़ा ही आपको इसे अप्लाई करके सेट करना होगा फ्रेंड्स। इसलिए आपको देखना चाहिए आगे कि मैंने कैसे किस तरह से आपको इसे लगा कर दिखाया है। तो छोटा सा डेमो मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो में, तो आप आगे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कंसीलर जो है अगर आप एक अच्छे ब्रांड का कंसीलर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा जो है वो कवरेज दे देता है। जो भी हम मेकअप बेस करते हैं अपने स्किन पे तो फ्रेंड्स वहाँ पे कंसीलर का अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी मेकअप आप कर रहे हैं अगर वहाँ पे आपने सारे मेकअप स्टेप कर लिए हैं और कंसीलर का आपने यूज़ नहीं किया है तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि सारे जो दाग धब्बे आपकी स्किन के वो कंसीलर से ही कवर होते हैं। जो भी पिगमेंटेशन है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, वो सब कुछ जो है कंसीलर से ही जो है वो कवर होते हैं, सेट होते हैं। तो उसके बाद ही जो है आपका मेकअप जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बिल्कुल मेकअप जो है आपका बिल्कुल सही तरीके से हुआ होता है। तो कंसीलर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी तो फ्रेंड्स इस कंसीलर की अगर मैं बात करूँ मिस्टर ऑफ मिलान कंसीलर की, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम तक आपकी स्किन पे रहता है और बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। बहुत ही अच्छा कंसीलर है गाइस, और तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये कंसीलर जो है ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरह का फ्रेंड्स ये है, थोड़ा ठीक है ये आपको जैसे मैंने बताया था। और ये सेट जो मेरा है वो 002 है। इसको आपको यूज़ करना है, कैसे आपको लगाना है, तो ये मैं आपको छोटा सा एक डेमो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये कंसीलर जो है थोड़ा तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज देता है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही जो आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपको पहले अपने आँखों के नीचे इस तरह से डैब डैब करके लगाना है, बिल्कुल इस तरह से आपको नहीं लगाना है, और नहीं तो जो है ये अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। और आपको इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इसे मिक्स करना है फ्रेंड्स अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि फिंगर के हेल्प से आप करेंगे तो नहीं होगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है ये। तो आपको इसे पहले अच्छी तरह से गीला करके इसे अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ लेना है, देन आपको इससे आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। तो जहाँ पे आपको डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है बिल्कुल वहीं पे आपको इस तरह से वहीं पे आपको डैब डैब करके इसे अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना। तो जब आपका एक आइस पे लग जाए उसके बाद में आपको देन दूसरे आइस पे अप्लाई करना है, क्योंकि आप पहले से लगा के रखेंगे तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा और अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने फ्रेंड इसी तरह से आपको अपने आँखों के डार्क सर्कल पे कंसीलर को लगा लेना है अच्छी तरह से ब्लेंड। तो अब आपको देखना है कि आपके जो भी दाग धब्बे हैं हल्के फुल्के वहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है। जैसे बस आपको थोड़ा थोड़ा एक एक करके ही आपको लगाना है, वहीं पे आपको ब्लेंड करते जाना है पूरे। तो
फ्रेंड्स इसी तरह से आपको पूरे फेस पे डार्क धब्बे जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेकर यूज़ करना है, क्योंकि वेस्टीज का जो मिस्टर ऑफ मीनार का जो कंसीलर है बहुत ज़्यादा थिक है और कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल थोड़े से प्रोडक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स इसके बाद में आपको फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर लेना है और आगे का मेकअप जो प्रोसेस है आपका वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह का फ्रेंड्स ये है, थोड़ा ठीक है ये आपको जैसे मैंने बताया था, और ये सेट जो मेरा है वो 002 है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की कंसीलर की मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिसे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।